पीटीआई क्या बहरानों से निकल आई है? और अगर निकल आई है तो किस हद तक निकल आई है, इसका अंदाजा आपको उनके रहनुमाओं से गुफ्तगु से होता है। आज हमारे साथ खास तौर पर पीटीआई के एक ऐसे रहनुमा मौजूद हैं कि जब सब लोग पीटीआई को छोड़कर जा रहे थे, यानी कि 9 मई के फौरन बाद, 9 मई से लेकर 30 मई तक का वो वक्त था कि जब जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, और ऐसी सूरत में कुछ लोग ऐसे थे कि जो तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर रहे थे, इसलिए तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर रहे थे बल्कि मुल्क से बाहर से आकर तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर रहे थे कि उन्हें मालूम था ये गिरफ्तारियां होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। ऐसे ही कुछ रहनुमाओं से हमने इंटरव्यू का जो सिलसिला शुरू किया है उसमें एक अहम नाम हमारे साथ कराची से मौजूद है, और कराची से ऐसा नाम के जिनका ताल्लुक लियाकतबाद से, और इन्होंने जो इमरान खान से मुलाकात की वो 9 मई के बाद की, और वो भी कनाडा से आकर। ताबिश तौफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई के अहम रहनुमा, उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। मतलब सब लोग छोड़कर जा रहे थे, आप आ रहे हैं और पता था कि गिरफ्तारी होगी। सर खाली गिरफ्तारी नहीं होगी, डंडे भी खाने पड़ेंगे, मारे भी पड़ेंगे, लेकिन बस वो वक्त ऐसा था कि जो खान साहब की कैफियत थी जिस तरह से, अच्छा मैं बेसिकली जज्बा जो जागा था वो उस वक्त जागा था जब खान साहब को प्राइम मिनिस्टरशिप से निकाला गया था, और वो जो खान साहब की कैफियत थी कि जिस तरीके से हम खान साहब को निकाला गया था कि हमारे बीच की हमारे अंदर के लोग जो बिक गए थे या जो हमारी इत्तेहादी पार्टियां थी हमें छोड़ के चली गई थी, वो जो वक्त था पाकिस्तान के ऊपर एक तारीख में याद रखा जाएगा कि बहुत ही बदतरीन और बहुत ही आप हम इसको बस इसके लिए मेरे पास तो अल्फाज नहीं है इसको डिफाइन करने के लिए, लेकिन वो बहुत बुरा वक्त था एक ऐसे शख्स के साथ जो अपने मुल्क और कौम के लिए मुखलिस था। क्या जरूरत थी कनाडा की अच्छी लाइफ गुजारने वाला शख्स आता है और वो कहता है कि मैं पीटीआई में डंडे खाने के लिए आ रहा हूं? सर ये खान साहब ने शऊर दिया हमें कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, रिस्क अल्लाह के हाथ में है, तो अगर मैं ये सोचूं कि मैं एक बेहतरीन लाइफ गुजार रहा हूं जो कि मैं गुजार रहा था, मैं कनाडा में बहुत पाकिस्तानी, अगर आप कह लें कि मिसाल में दे रहा हूं अगर 100 पाकिस्तानी है तो मैं उन 100 में से उन टॉप 10 लोगों में से हूंगा जो एक बेहतरीन लाइफ वहां गुजार रहे थे, तो मैं कोई आम जिंदगी तो गुजार नहीं रहा था वहां पे, मेरे अपने कारोबार थे, मेरा माशाल्लाह बड़ा सा घर है वहां पे, 42 एकड़ पे घर है। कनाडा को छोड़ ही दिया? बिल्कुल सर, मेरा तो अब ये स्लोगन है कि कनाडा खैर आबाद, पाकिस्तान शाद बाद। अच्छा चलिए, अब आप आ गए कनाडा से यहाँ पर, इमरान खान साहब की मुलाकात होती है, आप उस वक्त में पार्टी को ज्वाइन करते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद लोग ये कहते हैं यार इसने तो कोई मार खाई नहीं, इसने तो कुछ किया नहीं, इसको 247 का टिकट मिल गया, कोई पैसे वैसे ये क्या हुआ? हाँ ये बिल्कुल, असल में चक्कर ये है कि हम समझते हैं कि एक हमाम में सभी जो है ना वो एक जैसे ही है, तो अगर 10 लोगों ने टिकटों के लिए पैसे दिए हैं तो यार ये जो बंदा है ना ये भी आउटसाइडर ही है कोई, और इसने भी दिए, बजाय इसके कि वो उसके बारे में थोड़ी सी तहकीकात करें, उसके बारे में जाने समझें पहचाने वो कौन है। तो हाँ मैंने पैसे तो बहुत दिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि मैंने पैसे नहीं दिए। सर टिकट के लिए नहीं दिए तो? सर मैंने कॉज के लिए दिए हैं। भाई ये जो बाहर से लोग आते हैं ये टिकट के लिए पैसे दिए, कोई कहता है 2 करोड़ दिए, कोई कह रहा है 10 करोड़ दिए, ये इल्जाम लगता रहता है। सर हमारे लोगों को शौक है ना, एक गॉसिप करने का शौक है, लेकिन देखिए मैं अगर बोल रहा हूँ कि मैंने पैसे दिए तो हाँ बिल्कुल मैंने पैसे दिए, लेकिन मैंने टिकट के लिए कभी नहीं दिया। मैं तो 2017 से नमल यूनिवर्सिटी का डोनर हूँ, शौकत खानम का हॉस्पिटल का डोनर हूँ, शौकत खानम कराची में टोरंटो में रहते हुए मेरा ख्याल है कि मैं टॉप डोनर हूँ जो शौकत खानम कराची में बनने जा रहा है टोरंटो कैनेडा से, मैं भी कोई मुझसे बेहतर हो लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं टॉप डोनर हूं। फिर उसके अलावा डैम फंड कर लें आप या पार्टी फंड कर लें आप, और मैं उस वक्त से डोनर हूं जब पार्टी इकतदार में आई नहीं थी, तो अगर कोई ये कह रहा है कि मैंने टिकट लेने के लिए कोई पैसे दिए हैं किसी एक्स वाई जेड बंदे को, उसमें कोई मेरा नहीं ख्याल हमने यहाँ कुर्बानी दी है, हम यहाँ जेलों में गए, हमने यहाँ पर अच्छा सर ये भी बड़ी मजेदारी बात है कि हमारे यहाँ जो किसी भी ओहदे पे किसी को
फाइज करने के लिए उसकी काबिलियत देखनी चाहिए, ना कि उसकी कुर्बानी देखनी चाहिए। मैं मेरा थोड़ा सा लोग कहेंगे कि ये गलत बात कर रहा है या कॉन्ट्रोवर्शियल बात कर रहा है, ये बिल्कुल ही कॉन्ट्रोवर्शियल बात है। मैं ये समझता हूं कि यार मैंने पाकिस्तान टूर पे जाना है, मेरे पास बेहतरीन जबरदस्त 0 मीटर गाड़ी है, तो मैं पाकिस्तान टूर कर लूंगा, लेकिन अगर मैं ड्राइविंग सीट पे किसी अंधे को बिठा दूं तो वो काबिल ड्राइवर तो नहीं है ना सर, उसने तो गाड़ी का भी सत्यानाश करना है, उसने मेरे ट्रिप का भी सत्यानाश करना है। अगर हम मिसाल के तौर पे कोई MNA, MPA, कोई काउंसलर, कोई हम अपने डिस्ट्रिक्ट के ओहदेदार, कोई भी अगर हम उनको बगैर उनकी काबिलियत के चुनते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो बंदा उस चीज के लिए अहल नहीं है और उसकी काबिलियत ये है कि उसने 6 महीने जेल काटी है, उसने बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा है, तो अब उसको नमाजने का टाइम आ गया, तो मैं इस चीज को इस तरह से लूंगा कि मैंने जो कुर्बानी दी थी अब मैं उसको कैश कर रहा हूं, तो ये नहीं होना चाहिए। कभी बशीर, कराची से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स PTI की तरफ क्यों जाता है, क्यों बड़ा अच्छा ऑप्शन नहीं है उसके लिए? इक्तदार की अगर सियासत करनी है तो वाकई में ये तो इट वॉज देयर ऑन द कार्ड्स के MQM पाकिस्तान क्यों लॉन्च की गई, जबकि इतना उनका ग्राफ जीरो था, कहीं भी उनको वोट्स नहीं पड़े और फिर भी उनको सारी सीटें मिल गई। अभी इलेक्शन हुए हुए 4 घंटे हुए नहीं है कि उन्होंने जाके पाकिस्तान चौक पे अपना जश्न भी मना लिया। इत्तेहादी रहे सर, उसकी भी वजुहत है ना। मेरा तो मानना यह है कि 2013 में ही PTI की हुकूमत बन गई थी, जब खान साहब ने बोला था कि 4 हल्के खुलवाओ, उसी वक्त PTI की हुकूमत बन गई। ये जो 200 समथिंग दिनों का जो हमने वो धरना किया था उसकी जरूरत नहीं थी, अगर 4 हल्के खोल दिए जाते तो हमें किसी इत्तेहादी की उस वक्त जरूरत नहीं थी, लेकिन मखलूत हुकूमत बनाई इसलिए गई कि कमजोर हुकूमत होगी तो वो जो सख्त फैसले हैं वो नहीं कर सकते। सर अब जरा सा आ जाते हैं, ये तो मोटी मोटी बात है ना, जरा सा आपकी सियासत पर आ जाते हैं। खान साहब का जो कहते हैं लोगों का उरूज इसलिए हुआ कि जनाब ये इलेक्शन में बल्ला ले लिया गया क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं है। सर अब PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाती है, अभी भी लोग बिला मुकाबला मुंतखब हो रहे हैं, बात तो फिर वही है, वही इलेक्शन है या सिलेक्शन है? अगर पहले से कह दिया जाए ये 4 लोग होंगे और ये 4 लोग में फलां ये होगा, फलां ये होगा, फलां ये होगा, तो क्या होगा? देखिए पार्टी मौकफ एक तरफ, लेकिन अगर मेरे से आप मेरी जाती राय मालूम करना चाहें तो मैं तो इस बात के हक में था कि सिंध में प्रॉपर इलेक्शन होने चाहिए, दोनों जो पैनल आ रहे हैं उनको भरपूर मौका मिलना चाहिए अपनी अपनी दिखाने मकबूलियत दिखाने के लिए। जिसके साथ वर्कर खड़ा होता उसको सिंध में अपना पैनल, सिंध की प्रेजेंटशिप उसको मिलनी चाहिए, लेकिन जो भी हुआ अगर आईन और कानून के बरक्स हुआ है तो गलत हुआ है, अगर आईन और कानून के साथ हुआ है उनको उनकी उनको मद्देनजर रखते हुए हुआ है तो ठीक है हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अगर ये कहा जाए कि ये जो प्रोविंशियल क्यादत है वही अपने डिविजन्स की क्यादत को भी चुन ले, ये फिर वर्कर्स के साथ खुलेआम ज्यादती हो। यानी आप ये कह रहे हैं कि हलीम आदिल शेख को खुर्रम शेर जमान को नहीं रखना चाहिए? अगर खुर्रम शेर जमान काबिल हैं और वर्कर्स से वोट लेके मकबूलियत के साथ आ सकते हैं तो बिल्कुल रखना चाहिए। तो बिला मुकाबला अगर वो आ जाए तो क्या हर्ज है, क्यों खड़ा कर रहे हैं अपना पैनल, ना करें भाई अगर वो बिला मुकाबला? सर ये वर्कर्स के साथ ज्यादती है ना, ये तो खुलेआम वर्कर्स के साथ ज्यादती है। मैं अपना पैनल क्या बोलूं, मैं तो अय्या का नाम बताऊ, अय्या कनस्तरीन के नाम से मैंने एक पैनल निकाला है, उस पैनल का सिर्फ एक ही नजबुल है, अब कराची की सियासत या हमारे डिविजन्स की सियासत का फैसला हमारे वर्कर्स को करना चाहिए, ना कि 4 लोग ड्राइंग रूम में बैठ के फैसला करें कि ये होना चाहिए। लोग आपको गद्दार कहेंगे सर, अगर इस बात पे अगर मुझे गद्दार कहेंगे तो वो खान साहब को भी कहा गया गद्दार, लेकिन खान साहब आपने देखा है कि खान साहब ने अपना स्टांस रहे अपने स्टांस। PTI का नजबुलाया नहीं है ये, हमारी जमात बनी ही इसीलिए है, हमारी जमात का मेन आवाज ही यही है PTI की, नंबर 1 के मेरिट होना चाहिए, नंबर 2 ये कि जमहूरियत होनी चाहिए। आप इलेक्शंस करवाएं, खान साहब के पिछले 6 महीने से हमारी क्या मांग है कि इलेक्शन करवाए जाए, इलेक्शन करवाए जाए, तो जब हम मुल्की सतह पर इलेक्शन मांग रहे हैं तो हमें फिर अपनी पार्टी में भी प्रॉपर तरीके से इलेक्शंस करवाने चाहिए। अय्या का नाम बदल गया, इमरान खान के नक्शे कदम पर, इमरान खान की जमात के अंदर, इमरान खान की मुखालफत, लोग ये कहेंगे
नहीं नहीं सर, ये बिल्कुल इमरान खान के मौके की ताईद है, ये वही बात है जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, जो पिछले 26 साल से खान साहब कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ, मैरिट और जमहूरियत। आप देखिए खान साहब ने कभी भी ये बात नहीं की कि पुरअमन एहतजाज ना करो। खान साहब ने हमेशा हर पॉइंट पे दो बातें खास तौर पे दोहराई गई, अगर एहतजाज के हवाले से हुई तो पुरअमन, और अगर इलेक्शन के हवाले से हुई या आवाम को आवाज दी अगर खान साहब ने तो मेरे पाकिस्तानी। ना तासुब की सियासत की, ना इस तरह की सियासत, ना तशद्दुद पसंद सियासत करी। लियाकत आबाद के एक लड़के को क्यों तहरीक इंसाफ कराची की कुर्सी देगी? अच्छा, लियाकत आबाद के लड़के को, या देखिये मेरी पैदाइश लियाकत आबाद की है अल्हम्दुलिल्लाह, डाकखाना सिंधी होटल की, गुलशन में भी रहा हूँ मुख्तलिफ इलाकों में, स्कूलिंग भी क्लिफ्टन की रही है, तारिक रोड की रही है, क्लिफ्टन की रही है, फिर उसके बाद नेशनल कॉलेज में पढ़ता रहा हूँ, फिर उसके बाद अपना मैंने BCS किया, MBA किया, इसी मुल्क इसी शहर में रहते रहे और क्लिफ्टन में रहते रहे। माँ बाप मेरे बहुत ही मिडिल क्लास थे, बैंक में वालदा जॉब करती थी, वालिद साहब अपना बिजनेस करते थे, जब मेरी पैदाइश हुई थी तो वालिद साहब ASF में जॉब करते थे, बहुत स्ट्रगल करके हमें लेके गए आगे। हमने देखा है कराची को, उस दौर वो दौर देखा है कराची का जब कराची रोशनियों का शहर होता, आज कराची खंडरात बना हुआ है। इन्हीं वजूहात की वजह से बना हुआ है कि हम अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा पा रहे, हम छोटे 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 दलों में बटे हुए हैं, हमारे पास छोटे छोटे हीरोज हैं हमारे, और उनकी हीरोज की काबिलियत यह है कि वो या तो ज्यादा पैसे से ताकतवर हैं या वो थोड़े वैसे ही ताकतवर हैं, बदमाश ताकतवर हैं, या फिर उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। ये तो फिर आप PTI पे नहीं कर रहे हो, देखेंगे PTI में के मुतालिक एक लोगों का एतराज ये है कि भाई उसकी जो लीडरशिप आती है वो आमतौर पर एक लीड से आती है, वो लियाकत के लोगों को जगाने देते हैं एक कुछ हल के तौर पर, या उनके कहीं पैसा वो खर्च करते हैं, ये तासुर तो है ना। लेकिन मैं बड़ी मजेदार बात आपको बताता हूँ, जब खान साहब जेल में थे ना तो मैं अक्टूबर से मैं ये आवाज उठाना मैंने शुरू करी थी कि PTI के टिकट्स कौन तकसीम करेगा, खान साहब तो जेल में है, अवाम जो ट्रेंड पैदा हो गया है, जो अवाम बेदार हो गई है, जिस तरह से अवाम ने अपनी मोहब्बत का इजहार बरमला करना शुरू कर दिया है, तो वोट तो PTI को पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपने आज भी गलत कैंडिडेट्स चुने और उनको इस बुनियाद पे चुना कि वो मेरी लॉबी का हिस्सा है, या वो मुझसे ज्यादा लॉयल है, या वो ज्यादा पैसे वाला है, या वो मेरा फाइनेंसर है, या वो मुझे सपोर्ट करेगा किसी भी हवाले से, तो फिर होना क्या है, फिर होगा यही कि अवाम के तो वोट पड़ जाएंगे, यही दो नंबर लोग सिलेक्ट होंगे, और ये लोग फिर आपके ऐवानों में जाके बैठेंगे, और फिर इन्होंने जो फैसले करने हैं वो फिर सख्त फैसले नहीं हो सकते। माधव के साथ कॉफी साहब, जी माधव शेख साहब अगर अपना कवरिंग एजेंट रखते हैं तो अपने भाई को रखते हैं, सही है। अगर हम लोगों के कवरिंग एजेंट्स देखें, कवरिंग कैंडिडेट्स देखें, तो कवरिंग कैंडिडेट्स कौन थे? आप अगर ये कहते हैं कि भाई हमने यहाँ पर वो सियासत खत्म कर दी है, तो फिर तो सब कुछ हम वही देख रहे थे। सर देखिए हमारा मसला ये है कि हम लफाजी बहुत करते हैं और अमली जामा नहीं पहनाते ना, तो अमली तौर पर अगर सियासत की जाए, लफाजी कम की जाए, तो बड़ा बेहतरीन होगा। लोगों ने बातें बहुत बड़ी बड़ी करी और एंड ऑफ द डे जब टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए तो उसमें बहुत ज्यादा आवाम को, वर्कर को डिसअपॉइंटमेंट हुई। टिकट आपको भी? सर मुझे टिकट तो मुझे तो खान साहब दे रहे थे टिकट, मेरा टिकट खान साहब ने अप्रूव किया हुआ था, और वाकई में कुछ देखा ही होगा, कुछ काबिलियत होगी जिसकी बुनियाद पे अप्रूव किया हुआ था, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये प्रूव होगा कि खान साहब ने जो कैंडिडेट चूज किया था NA 247 पे, वो वाकई में इस काबिल था कि वो एक MNA की सीट के लिए क्वालिफाई करता था। अच्छा मैं अगर ये बोलूं कि भाई मैंने तो बड़ी कुर्बानी दी थी, मैं अपनी कैनेडियन नेशनलिटी छोड़कर आ गया, मैंने अपना कारोबार तबाह करने की नौबत पे ले आया, मैंने अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल में डाल दिया, इस बुनियाद पे मुझे टिकट ना दिया जाए, ये मेरा क्राइटेरिया नहीं। मुझसे कहा जाता है कि आपने तो बड़ी कुर्बानियां दी, मैं अक्सर यही बोलता हूं यार ये कोई कुर्बानी नहीं, जिसने एक डंडा खाया ना वो खान साहब के घर के बाहर जमान पार्क पे, उसकी कुर्बानी मुझसे बहुत बहुत लाख दर्जे बड़ी हो सकती है। ये मिसाल हम हमारे दीन में भी है, हजरत अबू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की भी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं, तो ये कहना कि किसी ने अगर अरबों खरबों का नुकसान कर लिया तो वो ज्यादा बड़ी उसकी
कुर्बानी हो गई। कुर्बानी कोई बड़ी नहीं है, कुर्बानी के ऊपर टिकट नहीं मिलना चाहिए। मैं आपकी बात से जो चीज समझ पा रहा हूँ वो यह है कि पीटीआई में जो अभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहा है वो सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, वो सिलेक्शन हो रहा है। मैं ये समझ रहा हूँ। देखिए, कोई अगर ये सोच रहा है कि वो सिलेक्शन करके ये काम सही, ये काम अपना कर लेगा, तो वो गलत सोच रहा है पार्टी के लिए, वो गलत सोच रहा है पाकिस्तानी आवाम के लिए। मेरी अपनी सोच ये है कि वो ना लॉयल है पाकिस्तान के साथ, ना वो लॉयल है पीटीआई के वर्कर्स के साथ, वो सिर्फ अपने साथ लॉयल है कि वो अपनी सिलेक्टेड टीम ला रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये मुल्क और कौम के साथ खुल्लम खुल्ला आप इसको कहेंगे कि ये नाइंसाफी। हमने ये देखा कि मेन लीडरशिप आ गई बिला मुकाबला, हमने ये देखा कि सूबाई सदूर आ गए बिला मुकाबला। आपको लगता है कि कराची में भी तहरीक इंसाफ बिला मुकाबला ही आ जाएगी या कुछ और मामला? देखिए, बलूचिस्तान में इलेक्शन हुए हाल ही में और वहां क्यादत इलेक्शन से चुनी गई। सिंध में भी इलेक्शन के लिए दो पैनल आए। अब अगर दूसरा पैनल किसी वजह से डिस्क्वालीफाई हो गया तो जाहरी बात है फिर पहला पैनल तो बिला मुकाबला ही आएगा। उस वो एक जमहूरी अमल है और वो ठीक है, लेकिन अगर दूसरे पैनल को लड़ने दिया जाता और इलेक्शन होते तो ये और ज्यादा अच्छा होता, इससे जमहूरियत मजबूत होती ना सिर्फ पार्टी में मुल्क में भी। लेकिन अब अगर कराची में ये मुसलत करना चाह रहे हैं इस तरह से कि सिलेक्शन कर लें, डिवीजन अपना बना लें, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। और मेरा भी ख्याल कि कराची का वर्कर जितना ऑलरेडी डीमोरलाइज्ड है जनरल इलेक्शंस के बाद से, उसका मोराल अप होगा ये सिलेक्शन से। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि खुर्रम शेख जमान साहब को काफी, उनको काफी एतराज भी हुआ, आपको याद होगा जो कराची का प्रोटेस्ट हुआ था जनाब, जो दो तलवार तीन तलवार पे जो प्रोटेस्ट हुआ था सब लोग मना कर रहे थे। मैं कुछ एमएनएस के साथ उस वक्त रात उनको मौजूद था, उन्होंने मुझे कहा कि सुबह का प्रोटेस्ट गलत हो रहा है। फिर उसके बाद 4,000 के करीब लोगों को उसमें नामजद कर दिया गया और फिर वो हुआ काफी उस पर लेदे हुई, बाकायदा एक शोकॉज नोटिस जारी हुआ, उस शोकॉज का जवाब भी खुर्रम शेख जमान साहब ने जमा नहीं करवाया। तो ये आपको लग रहा है कि इतने बड़े और इतने प्रूफ के बाद भी खुर्रम शेख जमान बिला मुकाबला चेयरमैन और पार्टी क्यादत भी कोई चाहता है कि? देखिये, खुर्रम शेख जमान साहब बहुत अच्छे आदमी, उनको चाहिए था कि वहां पे मौजूद रहते। होटल चलना शुरू हो गया, 15 मिनट के लिए नहीं आते, मौजूद रहते वहां पे। होटल भी 15 मिनट के लिए बंद। अच्छा, बड़े मजेदार बात, एक मैं टीवी शो में बैठा हुआ था तो वहां एमकेएम के एक रहनुमा बैठे हुए थे, उन्होंने बोला जनाब आपने तो वो एसएचओ का जो है ना मुंह फाड़ दिया। तो मैंने उनको बताया यार ये जो आप बात कर रहे हैं ना इसमें आप आधा घंटा पहले अभी 15 मिनट पहले प्रूफ मांग रहे थे, वो जो एसएचओ का मुंह फाड़ा गया वो ऐसा तो नहीं था कि आपके 10 बंदे आए हुए थे उसमें और उन्होंने ही हरकत कर दी, तो ये तो गलत हुआ, जो भी हुआ होना नहीं चाहिए था। एसएचओ साहब की भी गलती है, एक पुरमन एहतजाज है वहां पे आप तशद्दुद कर रहे हैं अगर वर्कर्स के ऊपर, तो मेरा तो मानना यह है कि भाई एवरी एक्शन हैज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। आवाम एक हद तक ही मार खाएगी, एक हद तक ही रेजिस्टेंस शो करेगी, कहीं ना कहीं तो रिटेलिएट करेगी, कभी ना कभी तो करेगी, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं तरसों। जैसे हालात मुल्क के बनाए जा रहे हैं ये दीज थिंग्स आर ऑन द कार्ड्स कि ये होगा। मेरी बात का जवाब नहीं है सर, ये बिल्कुल गलत था प्रोटेस्ट। इस प्रोटेस्ट का मैं इस तरह से कहूंगा कि खान साहब ने तो ये बोला था कि हर कोई अपने अपने हलके में प्रोटेस्ट निकाले, तो अपनी तरफ से प्रोटेस्ट को डाइवर्ट करके एक जगह पे लेकर आना और अपने हलके में लेकर आना और अपनी मार्केटिंग करना, दिस वॉज टोटली रॉन्ग। ये वर्कर के साथ नाइंसाफी थी, ये वर्कर्स के साथ जुल्म था। अब जब ये हो गया था तो फिर इसको ऑन करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आप हैं इस वक्त कराची के, उस वक्त आप थे कराची के प्रेसिडेंट, आप बाप थे, आपको बाप का किरदार अदा करना चाहिए था, सौतेले बाप का नहीं कि बच्चों को मार खाता हुआ या उनको एफआईआर में उनका नाम आते हुए आप भाग जाए, आप पीछे से फरार हो जाए, आपको फ्रंट से लीड करना चाहिए था उस वक्त। ये बड़ा ही क्लियर जवाब है मेरी बात। खुर्रम शेख जमान साहब को इतने शोकॉज नोटिस के बावजूद भी दोबारा बिला मुकाबला मुंतखब करवाने की कौन कोशिश कर रहा है, मेरा इतना सा सवाल है। सर ये तो देखे, गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है, मैं किसी का नाम तो ले नहीं सकता जब तक के पास हो।
अब मे बी हो, मे बी हो, मे बी वो उनको सपोर्ट कर रहे हो, मे बी उनको लाना चाहते हो। क्योंकि देखे बड़ा मजा हमने देखा जनरल इलेक्शंस में कि आलमगीर खान को उसकी सीटें मिल गई, खुर्रम शेर जमान को उसका गिवन कोटा मिल गया, हलीम आदिल शेख साहब को उनका गिवन कोटा मिल गया, फिरदौस शमीम नकवी साहब को भी कहीं ना कहीं अकोमोडेट किया गया, तो उनकी भी जो सीटें थी, जो उनके करीबी लोग थे उनको भी मिल गई। मगर हो सकता है आपकी बात सही हो कि ये इस तरह से भी हो सकता है, हो सकता है। ये सियासत है सर, और सियासत में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, क्योंकि बहुत अहम इंटरव्यू है, इसमें मैं खास तौर पर कराची और तहरीक इंसाफ की सियासत पर हम बड़ा अहम गुफ्तगू कर रहे हैं। आखिर एक दो सवाल, जो बहुत ज्यादा वक्त हमारे, आपको क्या लग रहा है कि क्या पीटीआई की इस वक्त कमजोरी, लोग ये कह रहे थे कि उनके पास सिंध के अंदर और खास तौर पर कराची में बेहतरीन तंजीम का ना होना, अगर उनके पास बेहतरीन तंजीम होती तो वो कम अज कम अपनी एमएनएस की सीट कुछ सेव कर लेती, कुछ एमएनएस और एमपीएस भी उसके बन जाते। क्या उसकी तंजीम में इख्तलाफात ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गए और यही वजह है कि अभी तक वो अपनी तंजीम साजी का काम नहीं कर सकते? देखिए सिंपल सी बात है, इलेक्शन होंगे पार्टी मजबूत हो जाएगी, इसका एक दो टोक अल्फाज में जवाब है। अगर ड्राइंग रूम से आप सेलेक्ट करेंगे, ड्राइंग रूम में बैठ के सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन से पार्टी मजबूत नहीं होगी, पार्टी और कमजोर होगी। अगर आपको पार्टी को मजबूत करना है, अगर आपको मुल्क के लिए, अवाम के लिए, वर्कर्स के लिए काम करना है, तो आपको इलेक्शंस करवाने होंगे। नंबर वन तो ये हो गया सर। नंबर टू जो आपका सवाल है कि पार्टी वीक हो गई, आप देखें कि पुरानी क्यादत बिल्कुल जो कराची में पहले मौजूद थी, जिसमें बड़े अच्छे अच्छे भी नाम थे, जो लोग कहते थे कि हम गोली खाएंगे या कुछ, अली जैदी साहब, अली जैदी साहब, इमरान इस्माइल साहब और अच्छे दूसरे लोग। लोग, अच्छे लोग। मेरा कहने का मकसद यह है कि अच्छे लोग इस सेंस में मैं नहीं कह रहा कि वो बहुत कोई पारसा लोग थे, लेकिन मेरा कहने का मकसद यह है कि एक ऑल्टरनेट आपके पास मौजूद था। तो जब इन आपके सिंध के सदर उनको अच्छा नहीं कहते, अभी उन्होंने इंटरव्यू में उनको कहा कि ये लोग जो ख्वाहिश मांगे जो भाग गए थे अच्छे नहीं, आप तो अली जैदी साहब की तारीफ कर रहे हैं, अली जैदी साहब तो नहीं आपके नहीं मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं उनकी, मैं ये कह रहा हूं कि अली जैदी साहब की शक्ल में आपके पास एक ऑल्टरनेट मौजूद था। मेरा पॉइंट कहने का ये है सर कि देखें, तौबा का जो दरवाजा है ना, नाउजुबिल्ला, वो अल्लाह ने भी बंद नहीं किया है। आप लाखों हजारों गुना करने के बाद भी आप अल्लाह के पास जाते हैं और तौबा, सच्चे दिल से तौबा करते हैं, तो अल्लाह भी माफ कर देता है। तो नाउजुबिल्ला आप खुदा बनने की कोशिश ना करे कोई भी, हलीम आदिल शेख ना करे, हलीम आदिल शेख हो या कोई और हो, क्योंकि देखें ये ऐसा है कि जो मेरा मुखालिफ है ना, अब मुझे उसको गिराना है किसी भी तरह, और उसको गिराने के लिए मैं हर हद पार कर जाता हूं और नाउजुबिल्ला खुदाई के दावे करना शुरू हो जाता हूं कि भाई वो तो पार्टी के साथ लॉयल नहीं है, वो फलाना नहीं है, वो ढिमकाना नहीं है। इसका सर्टिफिकेट कोई किसी को नहीं दे सकता। सिंध में हमने सीटें खाली छोड़ दी, हमने सिंध में लोगों को टिकट्स नहीं दिए, हमने सिंध के लोगों को उठा के कराची में लाके टिकटें दे दी। ये पार्टी के साथ लॉयल्टी है? ये तो सरासर आपने छुरी घोपी है कमर में उनकी। तो आपका ख्याल यह है कि अली जैदी, इमरान इस्माइल साहब अगर आना चाहें तो उनको रख लिया जाए, लेकिन कुछ लोग राह में रुकावट है? फैसला मेरा या किसी और का नहीं होना चाहिए, फैसला खान साहब का होना चाहिए। अगर खान साहब ये बोलते हैं कि हाँ इस बंदे को वापस आना चाहिए, तो वो उस बंदे को वापस आना चाहिए। फवाद चौधरी भी तो आए ना वापस। सर हर किसी को हक है, ये जमहूरियत है। एमकेएम भी तो आज बैठी है ना, जाके हाथ मिला लिया ना जाके पीएमएलएन के साथ। पीएमएलएन ने कैसे कैसे काम नहीं किया है यहाँ पे कराची में ऑपरेशन की मद में, तो एमकेएम भी बैठ गई जाके। ये सियासत है। लेकिन अगर खान साहब समझते हैं कि उस बंदे को होना चाहिए वापस, तो उसको होना चाहिए। मेरा या किसी और का फैसला नहीं होना चाहिए। अच्छा, वक्त क्योंकि बहुत ज्यादा हो चुका है और बहुत लंबा हमारा ये इंटरव्यू हो चुका है, आखिरी बात, क्योंकि पीटीआई एक बड़ी उसको ताकत मिली है कराची के अंदर, और जाहिर है कराची की तरफ इमरान खान की नज़र ये है कि जनाब वहां से उनको 17 या 18 सीटें मिलनी चाहिए, उनका अपना ख्याल है। आपको क्या लगता है कि ये जो धांधली के मामला हुए हैं या ये जो कुछ भी पीटीआई इस पर इल्जाम आयद करती है धांधली, ये क्या पीटीआई इस तंजीमी स्ट्रक्चर के साथ अपनी सिंध की सीटों का केस लड़ सकती है? नहीं लड़ सकती। हमें नजर नहीं आ रहे रोडों पे लोग, वर्कर्स बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। आप देखें ना, मैं किसके लिए लड़ूं जाके, वो तो हम में से है ही नहीं। सही है।
तो अगर वो हम में से होगा तो हम लड़ेंगे ना। अगर उसकी काबिलियत है कि उसको वो टिकट मिलनी चाहिए तो मैं उसके लिए लड़ूंगा ना। अगर उसकी काबिलियत ये है कि वो मेरा लॉयल है, वो मेरा मेरी टीम का हिस्सा है और मैं इसलिए टिकट दे रहा हूं, तो भाई फिर आप ही लड़ेंगे उसके लिए। अब वल्ला जो जिस तरह से इलेक्शन हो रहे, जिस तरह से हमारे कैंडिडेट्स ने शो पुटअप किया, वो कहीं कहीं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था। NA 250 का जो कैंडिडेट है वो बाहर ही नहीं आया, ना उसने अपने पोलिंग एजेंट्स खड़े किए, ना उसने अपने फॉर्म 45 जमा किए, ना वो बाहर आया। और आज भी वो बाहर आके ये कहता है कि मैं किसी वजूहात की वजह से जो है ना मैं रूपोश हूं। अरे भाई जब इतनी वजूहात थी तो फिर टिकट लिया क्यों आपने? आपने वो सीट किसी और को, किसी कैंडिडेट को, मुस्तहक आदमी को, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, उसको क्यों नहीं दी आपने? आपने अपनी एनए की भी सीट भी आपने कुछ नहीं किया और नीचे आपके पीएस भी आपने बर्बाद कर दी, तो तीन सीटें तो आपने ऐसे ही गिफ्ट कर दी। जिस पे हाफिज नहीं मां के कह रहे हैं भाई मुझे नहीं चाहिए ये सीट, मैं नहीं जीता हूं, मुझे गलत जितवाया गया और मैं दस्तबरदार हो रहा हूं, इस्तीफा देता हूं। तो हमें ये सीरियसली देखना होगा कि हमारे बीच में, हमारे इर्द गिर्द जो काली भेड़ें जो हमें नुकसान पहुंचा रही हैं, जो लोग मुखलिस नहीं हैं इस पार्टी के साथ, इस मुल्क के साथ, हमें उनसे बिल्कुल जो है ना उनका खुल्लम खुल्ला उनका हमें नाम लेना होगा, उनके साथ हमें मुकाबला करना होगा। अब ताबिश तौफीक की शायद इतनी हैसियत ना हो कि वो उनके साथ खुल्लम खुल्ला मुकाबला कर सके, लेकिन ये वर्कर्स जो है ना, वर्कर्स की ताकत ऐसी है कि ये बड़े 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 पहलवानों को उठा के पछाड़ सकते हैं। जैसे खान साहब ने कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन में कि आपने निकलना है और वोट देना है, और इस जनरल इलेक्शन में हमने देखा कि बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े नाम जिनको प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बना के लाया जा रहा था, ऐसे ऐसे बुर्ज जो है ना वो गिरते हुए टाइम नहीं लगा। बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। हमने जरा सा समझने की कोशिश की कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के मामला क्या चल रहे हैं और किस तरीके से चल रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको इस वक्त बहुत सारी सूरतहाल सामने आ रही होगी कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के वर्कर्स इस वक्त क्या कह रहे हैं, इलेक्शन नहीं, इलेक्शन होने चाहिए। ये अपना एक नुकता नजर है आपने देखा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल दीजिए।